नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट केस आपके सामने लेकर आया हूँ। दिल्ली में हूँ। सोनिया अख्तर का केस आपने सुना होगा। इस वीडियो में मैं आपको सोनिया अख्तर से मिलवाऊँगा, उनके बच्चे से मिलवाऊँगा और वकील एपी सिंह से मिलवाऊँगा। तो चलते हैं, सोनिया कहाँ पर हैं? दिल्ली में ही हैं। हम उनका एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं बताएंगे, लेकिन दिल्ली में जिस घर में वो रह रही हैं, हम उस घर पर आपको लेके चलते हैं। इस वीडियो में आप हमारे साथ सोनिया अख्तर से मिलेंगे, उनके बच्चे से मिलेंगे, उनका केस पे अपडेट क्या है वो हम आपको दिखाएंगे और उनके वकील एपी सिंह से भी मिलवाएंगे। तो गेट खटखटाते हैं और देखते हैं कि सोनिया जी क्या कर रहे हैं इस वक्त। सोनिया जी, सोनिया जी, गेट बाहर की तरफ शायद खुलेगा। गेट ये बाहर की तरफ खुलेगा। सोनिया जी देखिए, गेट हमारा खुल चुका है। सोनिया जी यहाँ पे रह रही हैं। ये भी खुलेगा? नहीं खुलेगा। सोनिया जी हमारे साथ हैं और नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खाना वाना खाया आपने? हाँ। नाश्ता वास्ता हो गया? हाँ। बच्चे की तबीयत ठीक है? ये माइक आप ले लीजिए, शायद आवाज़ नहीं आ रही। कैसे हो रहा है खाना वगैरह की चीज़ें जो हो रही हैं, क्योंकि आप बांग्लादेश से यहाँ आई हैं, कुछ पैसे लेकर आई होंगी, काफ़ी पैसा खर्च हो गया होगा, किराया विराया भी देना पड़ता होगा आपको, कैसे चल रहा है? देखिए, मैंने जो पैसा लेके आया, अब तो 2 महीने से ओवर हो गया, तो वो तो ख़त्म हो चुकी है। रहे बात रहने का, मैं बांग्लादेश से लोन लेके, जैसे जो मेरा परिवार है, जो सबसे जो रिश्तेदार है, उन लोगों से मैं उधार लेके, तो बांग्लादेश से कुछ पैसा मंगाया है, तो चल रही है। जहाँ 10 खा सकती हूँ, 1 खा के, 1 रोटी खा के चल रही है। हम लोग अंदर चले? अंदर आ जाए। चलिए आ जाओ, अंदर आओ, अंदर चलते हैं। आ जाओ। तो आप ये बताइए कि बच्चा कैसा है आपका? हाँ ठीक है, अभी अभी रो रहा है। आओ, आ जाओ। अभी देखिए, एक बच्चा के लिए तो अच्छा परिवेश भी चाहिए, उसका मम्मी पापा दोनों चाहिए। एक बच्चा, आप हमेशा मेरे को देख रही है, मीडिया जाए, देखिए आप तो जानती है जो मैं कितनी सफ़र कर रही हूँ 2 महीने से, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं कोर्ट, कभी बाहर जाओ, कभी मतलब सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। कुछ दिन पहले उसका बाल भी कटाया, मतलब सब मेरे को ही करना पड़ रही है और वो भी बहुत इरिटेट होती है। बच्चा के लिए तो अच्छा परिवेश चाहिए, उसका मम्मी पापा चाहिए, प्यार चाहिए, स्थिर एक लाइफ चाहिए, जो अभी उसको ज़रूरत है, उसको खेलने कूदने का टाइम है। अब मेरे साथ हमेशा ही बाहर जाना, भागना दौड़ना, ये तो वो नहीं कर पा रही है ना, तो इसके लिए उसको बहुत बच्चा बहुत ज़्यादा दुबली हो गई है। अभी तो बांग्लादेश से जितनी अच्छा लेके आया, अभी तो आधा हो गया है। आप चाहती क्या हैं? मैं चाहती हूँ सौरभ कांत तिवारी जी से आप चाहती क्या हैं? मैं चाहती हूँ बच्चा को, उसको प्यार मिले, उसको नाम मिले, उसको पापा मिले। उस अभी उसको पापा का उंगली पकड़ के पैदल चलने का टाइम है, अभी उसको पापा के साथ खेलने का टाइम है, अभी उसका बचपना खत्म हो रही है। तो मैं चाहती हूँ जो उसका पापा का प्यार मिल जाए, पापा मिल जाए, घर मिल जाए, परिवार मिल जाए, बस उसका हक मिल जाए। अच्छा, मुझे सिर्फ यही जाना है। बांग्लादेश में कैसे मुलाकात हुई, क्या था वहाँ पर, आपकी कितनी सैलरी थी, उनकी कितनी सैलरी थी, कितने बड़े अधिकारी थे वो, कैसे मुलाकात हुई उससे? ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, जो बहुत बड़ी अधिकारी थी। हाँ। उनका भी उस ऊपर भी बड़ा अधिकारी है इंडिया में। अच्छा। जो उसका कंपनी का ओनर है, जो मिस्टर जॉन, उनसे भी मैं तो मीटिंग करने गया। उनसे मेरा मीटिंग नहीं हुई है, इस वजह से मेरा हस्बैंड के साथ मेरा मीटिंग हुई है। अच्छा, अचानक ऐसा नहीं है जब मैं एकदम डायरेक्टली, मैं मतलब मेरा जो हस्बैंड है सौरभ जी से ही मैं मिलने गया उसका ओनर से, मेरा ओनर ने भेज दिया उसके जो कंपनी ओनर है मिस्टर जॉन से मिलने के लिए, मीटिंग करने के लिए। तो मेरा हस्बैंड का नंबर भी दे दिया, तो उनसे मेरा मुलाकात हुई है। केमिकल का 2 करोड़ का एक डील हुई है, उसके मेरे को तो हर महीने 1 लाख या आती थी कमीशन। तो उसके बाद उन्होंने प्रपोज किया, मना भी कर दिया उनके, उसके बाद उन्होंने मेरा पीछे लगी है, मेरा कंपनी में, परिवार में, सबको उन्होंने बहुत अच्छा तरीके, ऐसे भी उनको बांग्लादेश में बहुत अच्छा जानती है लोग, उनका कंपनी से भी फीडबैक बहुत अच्छा। कहाँ ये सब ढाका में हुआ कि कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। तो आपका घर ढाका में ही है? आप कि वहाँ पर रहती थी? फरीदपुर का। फरीदपुर वहाँ से ढाका से कितनी दूर है? कितनी दूर है फरीदपुर? आधा घंटा लगता है। अभी तो पर्दा सेतु हो गया, मेरे शादी के टाइम पे पर्दा सेतु नहीं थी। पर्दा सेतु, अच्छा बांध वो पुल, पुल पर्दा पुल। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ
फिर वहाँ से आप कितनी बहनें हैं दोनों, आप कितने भाई बहन हैं? मेरा और भी दो बहन है। हाँ, मेरा बड़ी बहन है वो ढाका में रहती है, मेरा छोटी वाली जी वो फरीदपुर शहर में रहती है। अच्छा, तो हाँ, आपने अपनी बड़ी बहनों से मिलवाया उनको कि ये है? मिलवाया नहीं मैं, हाँ, वो पहले वो खुद मिला, मतलब मेरा जो जीजा जी है, हाँ, वो गवर्नमेंट नौकरी करती है तो उनसे वो खुद मिला है। पहले जाके उनसे मिले वो कि हमारी इनसे बात करा दो, हाँ, या शादी करना है। उन्होंने मेरा जो कंपनी है, कंपनी में गया, हर जगह मतलब जैसे रिश्तेदार को या करनी है उन्होंने किया है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसका बांग्लादेश कोर्ट जाकर उन्होंने धर्म चेंज किया। अच्छा, हाँ, पहले धर्म चेंज किया फिर उसके बाद आपसे शादी? हाँ, की जी, उसके बाद शादी किया। तो आपने कितने बार मना किया कि यार नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी? नहीं, मैंने मना तो किया है कई बार, तो उन्होंने, हाँ, पटा लिया। और मैं भी, अच्छा, पटा लिया। हाँ, मैं भी सोचा जे एक बंदा ने मेरे लिए, खास करके कोई इंडियन मतलब लोग इस तरह से धर्म चेंज कर देगा बहुत बड़ी बात है बांग्लादेश में, बहुत बहुत बड़ी बात है। ले 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 ले, माइक ले 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 ले, इसको पकड़ने दो, पकड़ने। अच्छा, क्या हो गया? आ जा। ठीक है। हम आपकी परेशानियां समझ रहे हैं, तमाम परेशानियां हैं, बच्चे को भी संभालना है, तमाम चीजें हैं, चुप भी कराना है, हक भी मांगना है, और देखिए परेशानी तो बहुत दे रही है। हाँ, आप तो देख ही रही है, बच्चा हमेशा ही देखने, क्योंकि उसके लिए तो अच्छा परिवेश चाहिए, पापा, हाँ, मम्मी दोनों साथ चाहिए, घर चाहिए, मतलब रिश्तेदार चाहिए उसको। अभी क्या है, अभी देखिए आपके पास जा रही है, कैमरा मैन के पास जा रही है, अब वो जाने का अभी टाइम है उसका दादा के पास, नहीं तो उसका पापा के पास, नहीं तो उसको भाई के साथ खेलेगी। अब देखिए उसका नसीब क्या है, कितनी। तो आप अपने पति को अगर मान लो फैसला होता है तो बांग्लादेश रखना चाहती हैं, यहीं रहना चाहती हैं? देखिए वो मेरे साथ बांग्लादेश चली जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम। मैं तो चाहती हूँ आप कहीं भी रखो, चाहे वो बांग्लादेश मेरे साथ चली जाए तो ठीक है, वो इंडिया में रहे वो भी ठीक है, चाहे और कहीं लेके जाए ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे बच्चा के लिए जरूरत है। अरे, धर्म परिवर्तन के बारे में आप क्या सोचती हैं, अगर आपको हिंदू धर्म में आना पड़े तो क्या करेंगे? देखिए पहले बात तो मेरा लॉयर ने, एक बीवी बनो ना, उनको पहले वाली को तलाक देना पड़ेगा, दे दें तलाक। अच्छा, तो वो तो पहले वो तो होके आ जाए, उसके बाद तो बात करनी है इस बारे में। नहीं मतलब अगर कोई हिंदू धर्म से आपको कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, देखिए धर्म सबसे ऊपर है, कोई भी धर्म से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, धर्म पवित्र है, धर्म सबसे ऊपर है, धर्म से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, धर्म से कोई मतलब नहीं है? देखिए आप मानती है जिसको मैं मानती हूँ, हो सकती है नाम अलग है, आप भी तो एक ओलिक शक्ति में बिलीव करती है, हाँ, हम लोग भी तो एक ओलिक शक्ति में बिलीव करते, कोई देखा कुछ है आपके पास प्रूफ है कि सौरभ कांत तिवारी आपके हस्बैंड हैं और बांग्लादेश में क्या हुआ, शादी हुई नहीं हुई? हाँ, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। दिखाइए कुछ हो तो, अगर हो जी मैं दिखा जी। अच्छा, रखिए देखिए, तो हम दोनों का पासपोर्ट है, ठीक है, इसमें वीसा भी है, उसका पापा का नाम भी है, हाँ, मेरा हस्बैंड का नाम भी है मेरे पासपोर्ट में, ठीक, आप देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए, आपका सारा दोस्तों को बता सकते हैं। साद कौन है? इब्ने मुआज। की कौन है? मेरा हम दोनों का बेटा का नाम है। ये बेटा जो बच्चा है उसका निक नेम है अन्नू, अनु नाम है, और वैसे नाम साद इब्न मोज नाम है, हाँ, और फादर्स नेम सौरभ खान, सौरभ तिवारी सौरभ, और मदर्स नेम सोनिया अख्तर, ये बेटे का पासपोर्ट, हाँ, है, बेटे का पासपोर्ट। ठीक ठीक, पासपोर्ट ये आपका है, ये जो 3 जून को आप आए वो जी इमिग्रेशन लगा हुआ है, हाँ, ये आपका है। और कुछ शादी की तस्वीर आप दिखा रही थी, कुछ देखिए ये जो एफिडेविट है उनका धर्म चेंज का एफिडेविट है, देखिए मेरा हस्बैंड है, आप पर के भी देख सकती हूँ। शादी आपकी कब हुई? 14 अप्रैल 2021 में, 11 अप्रैल में, 11 अप्रैल का है, हाँ, देखिए इसमें कितने सब भी हैं, ये 11 अप्रैल का है, और 14 तारीख को आपकी शादी हुई, 14 अप्रैल को शादी।
इसमें शादी का सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। एक नोटरी सर्टिफिकेट है, जब कोई शादी का पेपर बाहर जाती है तो उसको नोटरी करना पड़ता है। अच्छा, तो मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है। आप देखिए, देखिए, ये इनका मैरिज सर्टिफिकेट बता रहे हैं जी। ये नेपाल हमारा है। देखिए, बच्चा का बर्थ सर्टिफिकेट है, मेरा पासपोर्ट है, ये उसका पापा का यहाँ है, ये बच्चा का। देखिए, ये हॉस्पिटल में इसका जन्म हुआ है। तो अब आपका केस कहाँ पहुँचा है, अभी तक कहाँ पहुँचा है केस? देखिए, ये तो मेरा जो लॉयर है डॉक्टर एपी सिंह सर, बहुत अच्छा सर, तो आप उनसे पूछिए, कानूनी जितनी भी सवाल है आप सर से पूछिए। एपी सर, बताइए केस के बारे में, क्या कहाँ पहुँचा केस, केस कहाँ पहुँचा? ये जो आप केस कागज आप लगातार दिखा रहे हैं जी, ये कागज तो ये अपने हिसाब से दिखा रही हैं, ये सब बांग्लादेशी कागज हैं। इंडिया में कितना वैलिड रखेंगे ये? नहीं, इंडिया में पूरे वैलिड, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, आप जो हमारे दुनिया का नारा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा है। ये पेपर को जांच करके ही भेजा, भारत बांग्लादेश सरकार ने जांच करके दिया है, और इसीलिए हमने जो हमारी वहाँ डीसीपी ग्रेटर नोएडा में प्रोसीडिंग होती रही, जो सारी प्रोसीडिंग हुई उसमें काउंसलिंग हुई, मेडिएशन भी हुआ, जो यह है सब फॉरेन मिनिस्टर यहाँ से अटेस्ट। और ये सब कुछ ना होने के बाद सफलता नहीं मिली, इसीलिए हमने जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भारत आई हुई थी G20 के सम्मेलन में, तब हमने यही बात उनको बोली, बांग्लादेश हाई कमिश्नर के द्वारा भेजी पिटीशन सोनिया अख्तर की तरफ से भेजी, तो उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को रिकमेंडेशन के साथ भेजी, और वो हमारी सारी याचिका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में आ गई, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में भी हमने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, सारी प्रोसीडिंग होने के बाद, अब वो आगे की प्रोसीडिंग हो रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ऑफिस से भी बात की है, उत्तर प्रदेश पुलिस से भी बात की है, ग्रेटर नोएडा पुलिस से भी बात की है, सारा कुछ बात करने के बाद अब आगे की जो फर्दर प्रोसीडिंग होगी एक दो दिन में पता चल जाएगा। और आगे धर्म कितना आड़े आ रहा है बीच में, इस्लाम धर्म और ये दोनों साथ कैसे रह सकती है, ये सवाल हम अब लीगली बात, आप पिछले इंटरव्यू में आपने बताया था मुझे लीगली, हाँ बात करते हैं। लीगली बात ये है, देखिए 20-21 साल के बच्चे हो गए, सौरभ अख्तर कहें, सौरभ कान तिवारी कहें, वो तो उनकी अपनी इच्छा है, कानून है, क्या है ये है, उस पद्धति से जब उनकी पहली पत्नी थी, छुपा के शादी की, चीटिंग की, फ्रॉड की, धोखा दिया, छल किया, इसके साथ बिल्कुल छल किया, एक अनमैरिड हाईली एजुकेटेड लड़की के साथ, कम उम्र की, चलो उम्र की बात हम छोड़ देते हैं, लेकिन धोखा किया, छल किया, और उसके बाद ही शादी की, उसके बाद बता दिया मेरी पत्नी जीवित हैं, दो बच्चे भी हैं। अब पहली पत्नी हिंदू थी, ये भी हिंदू थे, शादी की, बच्चे हुए, अब जब उन्होंने धर्म बदल लिया है, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, इस्लाम धर्म के अनुसार सारे कुछ कार्य किए, तो इसका मतलब वो पहली पत्नी का विवाह शून्य हो गया, वो नल एंड वाइड हो गया, वो शादी शादी नहीं रही, अब वो इसी के पति हैं, इस्लाम धर्म के अनुसार इसके पति हैं। हाँ, इस्लाम धर्म के अनुसार तो मान लिया जा सकता है, दो पत्नी बहुपत्नी का प्रथा चल सकती है, लेकिन हिंदू धर्म में, हिंदू मैथोलॉजी में तो सिंगल पत्नी, एक पत्नी ही वैलिड है, और एक पत्नी ही चल सकती है, ये है इसमें लीगली बात। आप ऐसे केस क्यों लेते हैं जिन्हें बड़ा पेच होता है? अब ये सोनिया अख्तर खड़ी है, मैंने तो मना किया, इसे एक महीने में मना करता रहा। नहीं, आपने जो इसका एक अच्छा जवाब देती हूँ। हाँ। जब पहली बार मैंने सर के पास आया तो सर ने बताया, ये तो बहुत छोटी मामला है, फैमिली मैटर है, ये सॉल्व हो जाएगी, चली जा, काउंसिलिंग हो जाएगी ग्रेटर नोएडा में। हाँ। तो उसके बाद जब मैंने सर को बताया तो सर ने बोला काउंसिलिंग हो जाएगी, मैंने एक महीने 3 दिन वेट किया, और रहे बात सर ने, मेरा सर से एक उम्मीद है, जैसे सर एक केस सॉल्व भी कर सकते हैं, मेरा हक भी दे सकते हैं। तो आप ऐसा हक लेकर करेंगे क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा, जब हस्बैंड आपको जो है पसंद ही नहीं कर रहा। नहीं, ऐसा बात नहीं है, देखिए। हाँ। आप फोटो देखिए, सब कुछ देखिए, आप 2 साल में आप बहुत सारा फोटोग्राफ है, आपने एक बात बताइए, प्यार क्या ऐसा ही होती है, 2 साल में 10 दिन में चेंज हो जाती है? यही फोटो आप हैं? हाँ जी,
नहीं, मुझे चेंज हो जाएगी वो बात अलग है, लेकिन मतलब एक होता है ना कि मतलब आपको तो आपकी भी बहुत उम्र नहीं है, आप तमाम केसेस आप देखते होंगे तलाक हो जाते हैं, 34-35 साल में भी तलाक हो जाते हैं, महिला अलग रहती है बच्चे को लेकर, हस्बैंड अलग रहते हैं, देखिए आपको दूसरी शादी हो जाती है, महिला की भी दूसरी हो जाती है, हस्बैंड की दूसरी हो जाती है, लेकिन आप इतनी लंबी लड़ाई जो है लड़कर यहाँ आ रही हैं। कल्चर मेरा ऐसा नहीं है सर, मैं जो परिवार ऐसा नहीं है, कल्चर नहीं है, ऐसी बैकग्राउंड नहीं है, और जब की है तो इसने पूरे सोच समझ के की है, उन्होंने भी उसको निभाया है और पूरा ये सारे परिवार ये कौन है? ये मेरा बहन है, मेरा बहन का बड़ी दीदी है, सगी बड़ी दीदी है, हाँ सगी है, और ये आप हैं? हाँ वो जो मेरा हस्बैंड है। तो आपको इन्होंने समझाया नहीं कितनी बड़ी उम्र के हस्बैंड हैं? हाँ जरूर समझाया, उन्होंने धर्म ही चेंज कर दिया, फिर बोला सही है तेरे को तो बहुत प्यार करती है, मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। ये मेरा जीजा जी है, मेरा गांव का फोटो है, ये एक थाली में भोजन कर रहे हैं, लोग कहते हैं ना दांत कटी दोस्ती, एक थाली में खाना खाते हैं, एक थाली में खाना खा ले में साढ़ू भाई के साथ तो रिश्तेदारी निभाई जा रही है, अपनी पर निभाया जा रहा है। ये सारे टोपी वाला फोटो है, नहीं मेरे डिलीवरी के, आप बताइए डिलीवरी के टाइम पे कौन इतनी अच्छा हस्बैंड कहाँ मिलेगी जो हर एक सेकंड में मेरा साथ दिया। आप देखिए मेरा बच्चा का पहला जन्म का फोटो है, जब फर्स्ट उसको हाँ डॉक्टरों ने उसको ला के दिया, ये फोटो साथ की, ये साथ की देखिए जान डिलीवरी से पहले की, ये डॉक्टर दे रहे हैं बच्चे को, पहले उसका पापा को ही देते हैं ये उससे जाने से पहले। अच्छा बीच का रास्ता क्या होगा? आप कह रहे थे कि आपने बहुत सारे केसेस ऐसे हैंडल कराए हैं जिनमें एक ही घर में भी आलोक मौर्य का था जी जी, आपने देखा हाँ। मौर्य ज्योति मौर्य एसडीएम वाला केस बहुत चला हाँ। हाईलाइटेड था, मरने मारने की भी नौबत आ गई हाँ। कि मार जाए दिया जाएगा, आलोक मौर्य की हत्या हो जाएगी, और ये दहेज का केस पड़ गया, 400 से 400 सब पड़ गया, डाइवोर्स पड़ गया और सब हो गया, सब कुछ चल गया पूरा। एक जो तीसरे थे मियाँ बीबी के दो के बीच में जो तीसरे थे मनीष जी, मनीष दुबे जी हाँ। उनकी नौकरी भी चली गई, वो परिवार भी उनका भी बिगड़ गया, उनका भी बिखराव हो गया, सब कुछ हुआ, लेकिन मध्यस्थता निकली, समाधान निकला, रास्ता निकला, अब दोनों साथ चलने की ओर फिर से बढ़ रहे हैं, फिर से रास्ता। तो जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है, अगर दिल से करते हैं, जुबान से करते हैं, ज़्यादा केवल दिमाग ही लगाते हैं तो बातें अलग हैं। पति पत्नी के प्यार में रिश्ते में होना चाहिए, हमारे देश में तो कई ऐसे परिवार हैं जिनमें पत्नियां छोड़ के चली जाती हैं, अंडरग्राउंड हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, पति ढूंढते रहते हैं हाथ पे चिराग लेके। वो केस आप लड़ रहे हैं? हाँ वो भी लड़ रहे हैं, वो वाला केस भी आप लड़ रहे हैं, सीमा जी वाला? हाँ सीमा जी वाला लड़ रहे हैं, सीमा केस वाला लड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ गई, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो वो गाना उसने सही कर दिया, पति के लिए आ गई और यहाँ पत्नी पति के लिए आ गई। तो हमारा देश ऐसे नहीं अनेकता में एकता वाला है, हमारा देश विविधताओं में भी विभिन्नताओं में भी एकता रखता है, तो इसलिए ऐसा है और निश्चित तौर पर इसको अधिकार मिलेंगे। और इसका बस थोड़ा वो सौतन वाला चक्कर पड़ रहा है, उन्हें सौरभ जी को अपना दिल बढ़ाना पड़ेगा, दिल की गहराई बढ़ानी पड़ेगी, प्यार बढ़ाना पड़ेगा। हमारे अदालती फैसलों में कहें आपको न्यायिक प्रणाली में ऐसे जब मामले पहुँचे कि कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता, अकेला जब लांगुरिया बीच में फंस जाता है, अकेला फंस जाता है, इधर उधर दो जोगनी मिल जाती। प्यार तो फिर रहना, जीवन है तो जीवन में अच्छाई है, अच्छाइयाँ देखें तो अच्छाइयाँ हैं। आप ऐसा कहने की कोशिश करें साजन चले ससुराल टाइप हो जाए कुछ? हाँ कुछ साजन चले ससुराल, ससुराल चली साजन के यहाँ, या इस तरह से है। धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने देखी किया, हमारे देश में बुजुर्ग हो गए, बुढ़ापा आ गया दोनों के, और बच्चे नाती पोते या पोतों की शादियों में नाच रहे हैं, नातियों की शादियों में नाच रहे हैं धर्मेंद्र जी। और कितने हीरो हीरोइंस, कितने राजनेताओं की आप फैमिली जानते हैं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, ग्राउंड जीरो पर आप रिपोर्टिंग करती हैं, आपने देखे हमारे देश के बड़े बड़े राजनेताओं के घर, एक पत्नी दिल्ली में रहती थी, एक पत्नी संसदीय क्षेत्र में रहती थी, वो संसदीय क्षेत्र में सारी जनता को सेटिस्फाई करती थी, वो दिल्ली में सारे काम करती थी। तो जो जैसी जिसकी योग्यता, कम पढ़ी लिखी भी महिलाएं थी, हमारे देश में मुख्यमंत्री ऐसे हुए, खड़े खड़े माननीय मुख्यमंत्री हुए जिनकी दो दो पत्नियां थी, तीन तीन पत्नियां थी। साउथ के यम करुणा निधि साहब की कितनी पत्नियां थी बताइए आप, साउथ के
तमिलनाडु और उसकी कितनी उनकी कई पत्नियां थी, और उनकी लिस्ट जब छपी इस पत्नी से ये बेटा, इस पत्नी से ये बेटा, ये पत्नी से ये बेटा, और पूरा वंशावली छपी और सब राजनीति में है, तो इट्स अ लक, भाग्य है, अच्छा है। तो हमारे ऐसा नहीं, गुवाहाटी में अलग है, चौपाटी में अलग है, कन्याकुमारी में अलग है, कश्मीर में अलग है, अटक में अलग है, कटक में अलग है, तो सब बदलता रहता है, परिवेश बदलता रहता है। हीरो हीरोइंस कर लेते हैं, जब हीरो हीरोइंस ने कर लिया तो इन्हें भी करना चाहिए, लेकिन दोनों में दिल में हो, मुझे ये दुख हो रहा है, मुझे सोनिया अख्तर के पति पत्नी में डिस्प्यूट हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, पति पत्नी में सौतन हो सकती है, इस एक साल चार महीने के बच्चे में क्या बुराई है, यही मुझे भी क्या लग रहा लड़ाई यही है, मुझे भी लग रहा। इसमें क्या दुख है, ये क्या धर्म जानता है, क्या ये बांग्लादेश जानता है, क्या ये भारत जानता है, क्या ये मुस्लिम लॉ जानता है, क्या मैट्रिमोनियल कानून जानता है, ये क्या जानता है, ये सिर्फ जानता है उंगली पकड़ना, ये सिर्फ जानता है मुस्कराओ तो मुस्करा देना, डांटो तो डर जाना, ये केवल इतना जानता है, खाना पीना, भूख लगे तो रोने लगना, हंसने लगना, ये केवल ये जानता है। और ऐसे में इसके पिता इससे दूर हों और ऐसे हालात में दूर हों, अगर ये ननिहाल में होता, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, ननिहाल में मामा होते हैं, नानी होती हैं, मौसी होती हैं, बहुत परिवार, बहुत गांव, बहुत रिश्ते होते हैं, लोग रखते हैं अपनी बेटियों को, बड़े साज संभाल के साथ रखते हैं, शादी के बाद रखते हैं, कई मायकों के तो वजह से, अंड्यू प्रेशर की वजह से तलाक होते हैं, आपने भी देखे हैं, कई मायकों का जब अंड्यू प्रेशर चलता है तब तलाक होते हैं, तब उनमें डाइवोर्स होते हैं, लेकिन यहाँ तो वो है ही नहीं, ये तो मायका भी छोड़ के आई है, अब तो इसका भारत में ससुराल है, भारत की सीमा में ससुराल है और वहाँ मायका है, वहाँ का बांग्लादेश में, तो जब मायके में से आके भारत में ससुराल में आई तो जिम्मेदारी बनती है। जैसे ही उन्होंने पिछले दिनों ताजमहल घुमाया, बहुत अच्छा लगा, इंडिया गेट घुमाया, लाल किला घुमाया, दरगाह घुमाई, चांदनी चौक से अच्छी अच्छी शॉपिंग कराई, बहुत बढ़िया लगा, बड़े फोटो देख के खुशी हुई, लेकिन फिर उसके बाद बदल जाते हैं, जैसे ही जाति बदले बदले से सनम आते हैं, तो इतना क्यों आग गई बदल गई। यही सवाल मैं पूछ रहा था कि मैंने आपसे एक सवाल इंटरव्यू पिछले पूछा था कि कैसे मतलब मैनेज कर रही हैं कि इतने जो आपकी फ़ोटोज़ पुरानी मैंने देखी, आप अच्छे घर से हैं और यहाँ आके आप किराए के मकान में रहें, पहले नोएडा में रहीं फिर यहाँ रहीं, कैसे एडजस्ट कर रही हैं, बच्चे का दूध का खर्चा होगा और तमाम खर्चे होंगे, कैसे मैनेज कर रही हैं। देखिए, एक माँ तो बच्चा के लिए कुछ भी कर सकती है, मैं भी माँ हूँ, मैं भी इसके लिए तकलीफ़ झेल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, गिर गिर के मैं करने कोशिश कर रही हूँ उसको ज़िंदगी बचाने के लिए, सिर्फ उसके लिए, उसके ज़िंदगी बचाने के लिए मैं इतनी तकलीफ़ झेल रही हूँ, लोगों से पैसा मांग रही हूँ, किराए पे दो मेरे को, उधार दो मेरे को, लोन दो, फिर भी दो, मेरा बच्चा का ज़िंदगी का सवाल है, फिर भी मैं उसको उसका हक दिला दूँ, उसको पापा दिला दूँ, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है। देखिए, बच्चा लेके जाती हूँ, वीडियो कॉल पे अभी भी बात होती है? हाँ, नहीं अभी तो क्या है, देखिए अभी पापा तो मैसेज करके वो मैं पढ़ने के बाद डिलीट कर देती हैं, क्योंकि मैं मीडिया पे बोल चुकी हूँ जो बात करती है, शायद इस चक्कर में रचना शर्मा जरूर उसको धुलाई किया, जिस वजह से अभी भाई साहब ने मैसेज करके भी डिलीट कर देती। हाँ, देखती है हमेशा क्या करती है क्या नहीं है, मैं भी उसका फ़ोटो भेजती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ जब बच्चा को उसका पापा से दूर हो जाए, पापा भी उसको या करे, मैं हमेशा इसको हर एक या उसको भेजती रहती हूँ, वो भी देखती रहती है हमेशा। तो चलिए, ये एपी सिंह सर थे सोनिया अख्तर के वकील और सोनिया अख्तर ने अपनी कहानी बताई, हम उनसे मिलने आए, इस वीडियो में आपने तमाम पहलू जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, लॉ भारत का लॉ क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें बांग्लादेश में भी तफ्तीश की जाएंगी कि भाई शादी कब हुई, कहाँ हुई, हुई नहीं हुई, हालांकि सोनिया अख्तर ने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, तमाम चीज़ें दिखाई, वकील साहब अपना दावा कर रहे हैं, अब राष्ट्रीय महिला आयोग में केस है, कह रहे हैं कि दो तीन दिन में या अगले सप्ताह तक कुछ फाइनल हो सकता है, अब सोनिया अख्तर जी को भी इसी चीज़ की उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी कुछ फाइनल हो, ताकि वो जो इधर उधर भटक रही हैं बच्चे को लेकर, हम यहाँ आए, बच्चा देखा हमने, कितना छोटा सा बच्चा है, उसको अभी तमाम ज़रूरतें हैं, तो अगर ये उनका पक्ष अगर सही है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि सौरभ कांत तिवारी सामने आने को तैयार नहीं है, अपनी बात रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी वो दबाव में है, लोकलाज के डर से है, और उनकी जो पत्नी है रचना शर्मा, वो उन पर ज़्यादा प्रेशर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं या कुछ क्या कारण है, तमाम कारण जांच के बाद सामने आएंगे। आपका इस वीडियो पर कुछ कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बता सकते हैं,
और आप कुछ बात सोनिया अख्तर या ए पी सिंह सब साहब से पूछना चाहते हैं तब भी हमें ले सकते हैं। इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन दबाइए। नमस्कार, मेरा नाम आशीष दीक्षित है।